फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज ट्रांसफार्मर कपलिंग। तो फ्रेंड्स जो हमारा ट्रांसफार्मर कपलिंग है, इस वीर में एक एम्पलीफायर स्टेज की एसी आउटपुट वोल्टेज को अगले एम्पलीफायर स्टेज के इनपुट में कपल करने के लिए जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है उसे ही हम ट्रांसफार्मर कपलिंग कहते हैं। फ्रेंड्स ये जो दिखाया गया है हमारा वो है ट्रांसफार्मर कपलिंग का डायग्राम। फ्रेंड्स इसमें जो ट्रांसफार्मर कपलिंग है इसमें एम्पलीफायर में दो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर को ट्रांसफार्मर द्वारा कपल किया जाता है। और फ्रेंड्स ये जो डायग्राम में दिखाया गया है इसमें प्रत्येक स्टेज में एम्पलीफायर के लिए ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। और फ्रेंड्स ये जो डायग्राम में आपको VCC दिखाई दे रही है ये सप्लाई वोल्टेज हमारी जो VCC है DC बायसिंग के लिए संयोजित की जाती है। और फ्रेंड्स ये जो डायग्राम में आपको R1 और R2 तथा RE दिखाए गए हैं ये बायसिंग रजिस्टर हैं। फ्रेंड्स आपको डायग्राम में CE भी दिखाया गया है जो कि एक बाईपास कैपेसिटर है जो कि एक एमीटर करंट के AC कंपोनेंट को इस कैपेसिटर के माध्यम से पास करता है। फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफार्मर कपलिंग एंड RC कपलिंग। तो फ्रेंड्स अगर हम ट्रांसफार्मर कपलिंग की RC कपलिंग से तुलना करें तो जो रजिस्टर RC का स्थान है वो स्थान ट्रांसफार्मर कपलिंग में ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग ने ले लिया है। और फ्रेंड्स जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को अगले स्टेज के बायसिंग सर्किट की वोल्टेज डिवाइडर के बीच के बिंदु या एक तरीके से कह सकते जो हमारा डायग्राम में R1 और R2 दिखाया गया है इसके बीच में तथा जो हमारा दूसरा पॉइंट है उसको बेस के बीच में जोड़ दिया जाता है। फ्रेंड्स जो हमारा RC कपलिंग एम्पलीफायर में ये जो बिंदु है हमारे वो सीधे जुड़े हुए हैं लेकिन ट्रांसफार्मर कपलिंग में एम्पलीफायर में इन दोनों बिंदुओं के बीच में ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो फ्रेंड्स अगर हम RC कपलिंग एम्पलीफायर के बारे में बात करें जो हमारा कपलिंग कैपेसिटर है एक स्टेज की DC को दूसरे स्टेज में पहुंचने से रोकता है लेकिन जो हमारा फ्रेंड ट्रांसफार्मर कपलिंग है इसमें ट्रांसफार्मर की प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में DC पथ नहीं होता है। और फ्रेंड जो हमारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है उनमें प्राइमरी से सेकेंडरी में सिर्फ ही AC वोल्टेज ही ट्रांसफर हो सकता है। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर कपलिंग के गुण के बारे में। तो फ्रेंड्स नंबर एक पर है यह बहुत अच्छी इम्पीडेंस मैचिंग प्रदान करती है। और फ्रेंड्स नंबर टू है हमारा मैचिंग के कारण यह अधिक लाभ प्रदान करता है। नंबर थ्री है हमारा इसकी एफिशिएंसी अधिक होती है। नंबर फोर्थ है हमारा इसमें पावर लॉस कम होता है। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे ट्रांसफार्मर कपलिंग के गुण। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर कपलिंग के अनुप्रयोग के बारे में। तो नंबर वन है हमारा ट्रांसफार्मर कपलिंग का प्रयोग इम्पीडेंस मैचिंग के लिए किया जाता है। नंबर टू है हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए ट्रांसफार्मर कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कपलिंग। तो फ्रेंड्स आज हमने बात की है व्हाट इज ट्रांसफार्मर कपलिंग, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफार्मर कपलिंग एंड RC कपलिंग, मेरिट्स ऑफ ट्रांसफार्मर कपलिंग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कपलिंग। फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर कपलिंग से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट अवश्य करें। तो फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।